भागलपुर केंद्रीय काली महारानी पूजा महासमिति के प्रधान संरक्षक और प्रवक्ता मां बुढ़िया काली पूजा समिति के कोषाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद यादव का निधन बुधवार की शाम को हो गया, जिसकी खबर फैलते ही पूरे भागलपुर समेत आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। समाजसेवी और भागलपुर में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से चर्चित कामेश्वर प्रसाद यादव के मौत की खबर सुनते ही उनके भागलपुर प्रवक्ता स्थित आवास पर उनके परिजनों और समर्थकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं गुरुवार को दिवंगत कामेश्वर यादव की विशाल शव यात्रा निकाली गई, जिसमें पर्वती समाज के अलावा भागलपुर शहरी क्षेत्र और आसपास के इलाके के भी लोग शामिल हुए। इस दौरान उनके चाहने वालों के द्वारा कामेश्वर यादव के समर्थन में नारे लगाए गए, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि कामेश्वर यादव पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, जबकि बढ़ती उम्र के साथ लंबी बीमारी के कारण बुधवार को सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया और वो जिंदगी से जंग हार गए। बता दें कि पूरे बिहार में भागलपुर की काली पूजा काफी प्रसिद्ध है, जबकि यहाँ की काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा को देखने और शामिल होने बिहार समेत कई जगहों से श्रद्धालु और आम लोग पहुंचते हैं, जिसमें अलग अलग पूजा समितियों के अखाड़ों द्वारा कर्तव्य भी दिखाया जाता है। वहीं पूरी शोभा यात्रा का नेतृत्व कामेश्वर प्रसाद यादव लंबे समय से करते रहे हैं और उनके निधन से न सिर्फ भागलपुर और हिंदू समाज को बड़ी क्षति हुई है, बल्कि आने वाले दिनों में काली पूजा समारोह एवं प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान भी इसका खासा असर दिखाई देगा। हालांकि कामेश्वर यादव की शव यात्रा में कई अलग अलग समुदाय के लोग भी शामिल हुए और उनके आत्मा के शांति की कामना की। बोलो, बहुत दुख की घड़ी है और शहर वासियों नहीं पर बल्कि बिहार वासियों के लिए ये दुख की घड़ी है और एक बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोगों के संबंध से भी थे और अभिभावक के रूप में श्री श्री 108 काली महारानी के वो प्रधान संरक्षक थे, मैं संरक्षक के रूप में थी। हमेशा बेटी कह के पुकारते थे, काफ़ी भीड़ होती थी तो भी जब मैं स्टेशन पर रहती थी तो एक बार वो हाथ डोलाते थे, बेटा ठीक आगे बढ़ रहे हैं। हम बोलते थे चाचा जी भीड़ नहीं लगाइए, आगे बढ़िए। अच्छा, भीड़ नहीं लगाएंगे बेटा, रोज़ तो ये मेला लगता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज इनके सामने में जो ये भीड़ है, जो ये जनाजा है, हर के आंसू में जो दुख है और साथ में ये जनाजा है, शायद बहुत बड़ा बड़ा महापुरुषों का भी ये जनाजा नहीं निकलता। पूरा शहर गमगीर है, इसलिए कि ये बहुत समाज सेवी थे और पूरे समाज को लेके चलते थे। और काली पूजा समिति के पर्वती के संरक्षक बहुत दिन रहे हैं और काली पूजा को बड़ी धूमधाम से लोगों से मनाए हैं। आज ये निधन जो है उनका बिल्कुल एक शहर को क्षति है, पर्वती के लिए तो है ही लेकिन पूरे भागलपुर शहर के लिए है। एक अच्छे नेता थे, ये अच्छा काम करते थे समाज के लिए। आज ये हमारे बीच नहीं रहे। इनके परिवार के इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हम हैं और उनके आत्मा को शांति मिले। टीएमबीयू के बीसीए के छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के मुख्य द्वार पर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि एक तरफ जहां देश में अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा 2020-2023 सत्र के बीसीए छात्रों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की बदतर स्थिति के कारण यहाँ के छात्र अभी भी परीक्षा के इंतजार में भटकने को मजबूर हैं। वहीं आक्रोशित बीसीए के छात्रों ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का घेराव किया और कहा कि जब तक उन लोगों के परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि देशभर में बीसीए 2020-23 सेशन खत्म हो चुका है और विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं, जबकि बिहार के मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी इसकी परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है। बीसीए सेमेस्टर का एक सेमेस्टर का स्टूडेंट है, सेशन 20-23 है और हम लोग का एग्जाम जो है एक साल ऑलरेडी लेट चल रहा है यूनिवर्सिटी में और इस कारण हम लोग को अभी लेट लिया जा रहा है। जनवरी में 6 सेमेस्टर का एग्जाम लिया जा रहा है और जिसको 4th-5th में बैक लग गया है, एक बार मौका नहीं दिया गया है कि उसको दोबारा एग्जाम दिया जाए या कुछ ऐसा बात। उस समय डेंगू
चरम सीमा पे था डेंगू, और बहुत सारे स्टूडेंट को डेंगू हो जाने के कारण वो नहीं आ पाया था एग्जाम देने के लिए, जिस वजह से उसको फिफ्थ में बैक लग गया है। हम लोग चाहते हैं कि उसको भी दिया जाए, जिसको बैक लग गया फोर्थ फिफ्थ में, उसको भी फॉर्म भरने दिया जाए सिक्स सेमेस्टर का। और जैसे सिक्स सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया उसको रिजल्ट दे देगा, बाद में जो आएगा 21-24 सेशन आएगा उसके साथ फोर्थ फिफ्थ अपना दे देगा। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में गुरुवार को नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय की ई लाइब्रेरी का शुभारंभ कुलपति डॉक्टर डी आर सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान कुलपति ने छात्रों का आह्वान करते हुए नियमित रूप से लाइब्रेरी में छात्रों को अध्ययन करने की बात करते हुए कंप्यूटर पर केरा एप्स का प्रयोग नियमित रूप से करने की बात कही। साथ ही कुलपति डॉक्टर डी आर सिंह ने छात्र छात्राओं को ई लाइब्रेरी की मदद से वीडियो लेक्चर का भी उपयोग करने की बात कही। इसको लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि बीएयू के ई लाइब्रेरी में फिलहाल 42 कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट की सुविधा के साथ उपलब्ध हैं, जबकि इसके शुभारंभ से छात्रों और शिक्षकों के साथ शोधकर्ताओं को भी काफी लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एसी से लैश इस पुस्तकालय में ई जर्नल्स के अलावा 5000 ई बुक और लाखों ई थेसिस की ऑनलाइन सुविधा का छात्रों को लाभ मिलेगा। मौके पर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि, अधिष्ठाता स्नातकोत्तर, अलग अलग विषय के निदेशक, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, प्राचार्य और सभी विभाग के विभागाध्यक्ष समेत छात्र छात्राएं एवं कर्मी मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मस्जिद मौजा में जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्र को मिट्टी से ढकने एवं वृक्ष काटने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की जानकारी मिलने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मोबाइल पर घटना की सूचना SP, DSP एवं थाना प्रभारी को दी गई। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और कार्य को बंद करवाया। वहीं इस मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि मस्जिद मौजा में जहांगीरा कब्रिस्तान वर्षों से है, उनके पूर्वज इस जमीन पर कब्र दफन करते आ रहे हैं। इस जमीन का मामला भागलपुर न्यायालय में चल रहा है। इसके बावजूद विभूति यादव एवं उनके सहयोगियों द्वारा जबरन विशाल वृक्ष काट दिया गया और कब्र पर JCB से मिट्टी डालकर निशान मिटाने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही बताया कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस जमीन पर कार्य नहीं होनी चाहिए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कई लोग मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद की उपसभापति नीलम देवी कई वार्ड पार्षदों एवं अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 26, 27 और 28 पहुंची, जहां उपसभापति ने वार्ड के लोगों से बातचीत कर जन समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसको लेकर उपसभापति नीलम देवी ने बताया कि वार्ड के लोगों की शिकायत होने पर वह अलग अलग वार्ड का निरीक्षण करने पहुंची, जहां लोगों के समस्याओं की जानकारी लेकर उन्होंने उसका समाधान करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि 26, 27 और 28 में सड़क, नाला एवं लाइट की व्यवस्था नहीं है और इस समस्या को दूर करने के लिए पदाधिकारियों से बातचीत कर जल्द से जल्द लाइट की व्यवस्था करने के साथ PCC सड़क और नाले का निर्माण कराया जाएगा। मौके पर वार्ड पार्षद सहित वार्ड के ग्रामीण मौजूद थे।